खेतों में चलवा रखी यार गाड़ी। ये दोस्तों टायरों में ये देख लो, ये रबड़िंग है दोस्तों। हेलो तो दोस्तों कैसे हो आप, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबको प्यारी सी जय श्री राम और प्यारी सी गुड इवनिंग। दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं और दोस्तों आपका भाई गोरखपुर बाईपास से अपना ब्लॉग नाइट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है। और दोस्तों ये देखो दोस्तों SSR एडवेंचर भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई दोस्तों टायर में माल बहुत है और वो टायर कैसे फट गया। दोस्तों वो टायर में ना माल नहीं था, ठीक है मैं दिखाता हूँ। ये देखो टायर में ना दोस्तों माल नहीं है, रबड़िंग चढ़े हुए हैं, ठीक है टायर में दिखा देता हूँ अच्छे से। तो देख लो रबड़िंग चढ़ी हुई है दोस्तों टायरों में, ये देख लो ये रबड़िंग है दोस्तों ये सारे टायर, मतलब ये देखो रबड़िंग है। क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी में रबड़िंग चल जाते हैं, मतलब टायर 22 टायर में ज़्यादा भी नहीं चलते हैं। मतलब ये है कि भाई देखो हर किसी के बारे में सोचना चाहिए, अपना पेट भरने से कुछ नहीं होता, अगर दूसरे का पेट भरोगे तो आपको खुशी ज़रूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो चीज़ जैसी मिल जाती है ना दोस्तों उसी में सब्र कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखो रबड़िंग है, ये भी देखो गैप आ रहा है, ठीक है दोस्तों ये सीन है, ठीक है रबड़िंग टायर तो दोस्तों फट जाता है, अंदर से टायर का कोई मेंटेनेंस नहीं होता दोस्तों, मतलब हमें नहीं पता रहेगा कि अंदर से टायर कैसा है, क्योंकि दोस्तों मैं एक चक्कर के लिए आया हूँ गाड़ी पे। और ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी का लॉक खुला हुआ है, पहले दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं दोस्तों, सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। मतलब यार देखो दोस्तों हर किसी के पास पैसा नहीं होता, वो भी जो दोस्तों जिसकी गाड़ी है ना वो खुद ही चलाता है भाई दोस्तों गाड़ी, वो खुद की गाड़ी का मालिक है, चक्कर के लिए भेजा है। तो दोस्तों आप उन्होंने कैसे गाड़ी ली है कैसे कैसे नहीं लिया, तो दोस्तों सबके बारे में सोच समझ के काम करना चाहिए। वो हर कोई घर से अमीर नहीं होता, हर कोई बिजनेस करता है तो थोड़ा लगा के करता है, आगे उसको पैसा दे बढ़िया टायर भी चढ़ाएगा वो भाई अपना, सब टाइम टाइम की बात रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों निकलते हैं फिर अब अपनी गाड़ी लेके, शाम हो गई है थोड़ा टायर भी ठंडे हो गए हमारी गाड़ी के, और आज रात का पूरा ब्लॉग चलेगा और रात रात में दोस्तों हम पहुंच जाएंगे, भगवान ने चाहा तो हम पहुंच जाएंगे जहां हमारी गाड़ी खाली होगी। अभी मैं पार्टी से ही बात करूँगा कहाँ आना है कैसे कैसे आना है, ठीक है दोस्तों फिर चलते हैं दोस्तों। निकल गया आपका भाई बिहार का, दोस्तों बिहार का माल है हमारी हमारी गाड़ी में, शिवान का आपके भाई की गाड़ी में दोस्तों शिवान का माल है। और दोस्तों हमारा सफर कम से कम होगा यहाँ से 250 किलोमीटर लगा लो, 250 से 300 किलोमीटर के लगभग का सफर है। और दोस्तों SS एडवेंचर भाई का एक कमेंट हो रहा था कि भाई अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो उसका चेसिस बैंड हो जाता है तो क्या होता है। देखो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी क्लेम में है और इंश्योरेंस में है और आपकी गाड़ी का चेसिस बैंड हो जाता है तो आपको नया चेसिस मिल जाता है, मतलब चेसिस, ठीक है चेसिस का वो जो बैंड हुआ हुआ पोर्शन होता है वही मिलता है, ठीक है दोस्तों। और जो आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपको उसी में चलानी पड़ेगी गाड़ी, और आपकी गाड़ी ना दोस्तों तिरछी चलेगी, तिरछी कोई कोई गाड़ी में देखना दोस्तों वो गाड़ी तिरछी चलती है, उसका चेसिस बैंड हो जाता है जब गाड़ी पलटती है ना दोस्तों। ये गाड़ी चेसिस बैंड तब होता है जब दोस्तों गाड़ी पलटती है और जब बहुत गंदी टूटती है, और चेसिस बैंड होने से ना दोस्तों बहुत प्रॉब्लम भी रहती है, गाड़ी में चलाने में मजा नहीं आता। अगर आपकी नई गाड़ी में अगर चेसिस बैंड हो गया ना दोस्तों आपको मजा नहीं रहेगा वो चलाने में, क्योंकि ऐसे ऐसे बबलिंग मारती भी चलेगी गाड़ी। कंपनी से मिल गया चेसिस जो बैंड हुआ है पोर्शन, वो बात अलग है, ठीक है दोस्तों। आगे मिलूंगा मैं आपसे पेट्रोल पंप पे जहाँ टंकी फुल कराएंगे, मैं बताऊंगा वहाँ आपको और भी कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर आके। तो शाम हो चुकी है, रात ही हो गई है, 6:30 क्रॉस हो गए, 6:30 बज गए दोस्तों। सबको प्यारी सी जय श्री राम। और दोस्तों गाड़ी भाग रही है पूरी 60 आराम आराम से चल रहे हैं दोस्तों। अभी फिलहाल मैं गोरखपुर बाईपास पे हूँ, चलती गाड़ी में दोस्तों हमने धोबत्ती कर दी है, उल्लू भाई ने धोबत्ती कर दी। और दोस्तों आज अभी हम नहाएंगे आगे जाके, तो आपका भाई पहुँच चुका है भारत पेट्रोल पंप पर, और दोस्तों हम कराएंगे टंकी फुल यहाँ। और दोस्तों एवरेज बताऊंगा मैं, 22 टायर ने एवरेज कह दिया है, और भाई कर रहे हैं अपनी गाड़ी के टायर चेक, और गोल्लू भी गया है दोस्तों गाड़ी के टायर चेक करने, देखो शीशे में, ठीक है दोस्तों मैं टंकी फुल कराता हूँ वहाँ में। भाई चला दिया दोस्तों मशीन, अब देखते हैं कितने का तेल आएगा,
बताते हैं फिर आप। तो आपके भाई की टंकी हो गई है फुल, तेल आ रहा है, तेल बताता हूँ। दोस्तों आया है हमारी गाड़ी में 19,236 रुपए का तेल, 214 लीटर, और रात को लिया था दोस्तों हमने 100। आपके भाई ने गाड़ी में टंकी फुल करा ली है एकदम ओके, टंकी सब फुल करा दिया है। और दोस्तों ये देखो, यह है भारत का बम्पा, और दोस्तों हमारी गाड़ी में आया है 214 लीटर तेल, मतलब टोटल मान लो दोस्तों 347 लीटर तेल आया है 953 किलोमीटर में, मतलब 1000 किलोमीटर ही लगा लो, 1000 किलोमीटर में गाड़ी ने एवरेज दिया है दोस्तों 274 का, मतलब एवरेज भी बढ़िया है दोस्तों गाड़ी का 274 का एवरेज, मतलब दोस्तों क्योंकि उसमें 200-250 किलोमीटर के गड्ढे भी जाते हैं, गड्ढे प्लस फोर लाइन, तो बहुत सही एवरेज है 274 का 22 टायर, 274 का 22 टायर एवरेज देता है, तो बढ़िया गाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, पैसे पूसे देते हैं या फिर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनल दोस्तों पेट्रोल पंप से निकल गया आपका भाई, और ये आ गया टोल टैक्स पहला। अभी बॉर्डर दोस्तों यहाँ से होगा 65 किलोमीटर होगा लगभग, तो दोस्तों बॉर्डर में मिलेंगे, नेक्स्ट स्टॉप हमारा बॉर्डर पे रहेगा। बॉर्डर से पहले दोस्तों एक ढाबा है उधर, रोटी खा के निकलेंगे मेरे हिसाब से, तो फिर आगे बिहार में रोटी अच्छी नहीं मिलती, तो पहले हम बॉर्डर से पहले ही रुकेंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं मिलते हैं। भाई आ गया है ढाबे पे, और ये देखो गाड़ी लगा दी है साइड में, स्टार्ट रख रखी है दोस्तों, 10-15 मिनट स्टार्ट रहेगी गाड़ी, क्योंकि बहुत दूर से चल गई, कम से कम 75 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। टायर चेक कर ले भाई, टायर चेक करेंगे दोस्तों, टायर की पोजीशन क्या है, और माल भी ओके है। और दोस्तों टोल टैक्स में यार दोस्तों बहुत तंग कर रहे हैं, मतलब 2 क्विंटल भी फालतू होता है ना, ओवरलोड की पर्ची कट रही है, मेरी 325 की कटी है और एक 515 की, 2 पर्चियाँ कटी है। और अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ होटल में, नहाऊंगा पहले, फिर रोटी खाऊंगा, और फिर निकलेंगे सफ़र के लिए। और दोस्तों टाइम हो रहा है 9:30। टायर तो दोस्तों हमारे ओके हैं, और आगे आने वाला है दोस्तों 10 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा दोस्तों, गोपालगंज बॉर्डर, टमकुई राज बॉर्डर है दोस्तों उसका नाम, और बॉर्डर पर चलो फिर ढाबे पर चलते हैं। दोस्तों आपका भाई नहा धो के रेडी हो चुका है, अब खाते हैं खाना और फिर चलते हैं गाड़ी लेकर अपनी। हमने बॉर्डर पार, और दोस्तों निकल गए हैं सिवान के लिए, दोस्तों सिवान का माल है आपके भाई की गाड़ी में, और वहीं चलते हैं देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो सफ़र भी बहुत लंबा है दोस्तों, कम से कम 170 के किलोमीटर है, और 11:30 बज गए हैं, और गाड़ी चला रहा है आपका भाई दोस्तों, बॉर्डर पर बहुत तंग करने लग गए हैं, अब वीडियो भी शूट नहीं कर सकते वहाँ की। ठीक है दोस्तों, मैं आगे मिलते हैं, कहीं चाय चुए पियेंगे तो फिर मिलते हैं, वरना चलाता रहूँगा गाड़ी पूरी रात, देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। तो आपका भाई पहुँच चुका है मलमलिया, नहीं पहुँचा हूँ दोस्तों अभी, महमूदपुर का रास्ता पूछने गए हैं, वो देखो वहाँ टॉर्च जल रही है, उससे पूछने गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, मेरे को तो पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ मैं, देखते हैं पूछ के गया है, पर मेरे को ऐसा लगता है वो पीछे से ही है, ये यू टर्न लेना है और फिर पुल के नीचे हुआ है रास्ता, इतना तो मुझे पता है, पर मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। ठीक है मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस जगह जा रहे हैं मोरामारी, 7 किलोमीटर दोस्तों मोरामारी है यहाँ से, और देखो रोड देखो दोस्तों कैसी है, और पूरे पेड़ ही पेड़ आ रखे हैं, मतलब ऐसी ऐसी जगह दोस्तों 22-22 टायर घुसाने पड़ते हैं हमको, ये देख लो। और दोस्तों ये मोड़ तो बहुत ही खतरनाक है,
देखते हैं कैसे घूमेगी गाड़ी। आई विल ट्राई टू मस्त वाला काम, मतलब देख लो कहाँ खेतों में चलवा रहे थे यार गाड़ी। त्रिपाल बोलना मुझे एंकर ही खेत है भाई, बहुत खतरनाक रोड है दोस्तों। मैं मतलब सोच रहा था कि पार्किंग में दिखाऊंगा वहाँ, पर मुझे लगता है ये सब कुछ दिखाना चाहिए। इतनी सी रोड है दोस्तों, और सामने से अगर एक ट्रक और आ गया तो फिर क्या होगा हमारा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और दोस्तों गाड़ी घुमाएंगे कहाँ कुछ भी पता नहीं, मतलब इतनी खतरनाक जगह है। चलो चलते जाएंगे, ठीक है दोस्तों, पार्किंग प्लेस में मिलेंगे। पहुँच चुके हैं बड़ी तकलीफों के बाद दोस्तों, रात के बज गए हैं 3 से ऊपर टाइम हो गया। और दोस्तों गाड़ी लगा दी एकदम मस्त करके, और ये देखो दोस्तों नेशनल फ्लैग बनवा रखा है गाड़ी में, नेशनलिटी शो करते हैं हम दोस्तों। और दोस्तों इतनी सी रोड पे लाए थे गाड़ी, गाड़ी पूरी दबा दी है एक साइड में। मतलब दोस्तों वहाँ से जब मैं चला ना बॉर्डर से, बॉर्डर में दोस्तों बहुत तकलीफें हुई भाई, बहुत बहुत दुखी करने लग गए भाई बॉर्डर पे दोस्तों, जिंदगी ख़राब कर दी भाई बॉर्डर पे हमारी। और यार पेड़ तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ ठीक, चलो दोस्तों ये पंपे का रास्ता भी खुल गया, ये पेट्रोल पंप के सामने लगा रखी गाड़ी, अब वो सुबह अपना आप आएगा पार्टी वाला, तो देखते हैं सुबह पार्टी वाला क्या कहता है, खाली होएगी कि नहीं होएगी। खाली तो हो जाएगी वैसे, बुलाई है जब गाड़ी उनने दोस्तों। गाड़ी के अंदर चलते हैं फिर बातें करते हैं अपनी। दोस्तों आपको भाई पहुँच चुका है अपने स्टेशन पर, तो दोस्तों सबको प्यारी सी जय श्री राम और गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह हो रही है और आपका भाई जा रहा है सोने, 4 बज गए हैं। सोऊंगा क्या दोस्तों, मुझे एडिटिंग करनी है पिछले ब्लॉग, तो एडिटिंग करता हूं मैं और थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा फिर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सबको जय श्री राम।